हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज़ में। बच्चों, हम लोगों ने अपना एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है जिसके अकॉर्डिंग हम आपको 250 कॉन्सेप्ट्स बताने वाले हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि ये जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है बच्चों, ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जिनका टारगेट नीट 2020 या JEE 2020 है, वो अपने सिलेबस के साथ अच्छे तरीके से टच में रहें। अगर रोज़ भी एक कॉन्सेप्ट को वो सीखते हैं तो आई थिंक एग्ज़ाम आने तक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को वो कवर कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की। और ये जो नया कॉन्सेप्ट है हमारा, ये वेक्टर को लेकर है बच्चों, वेक्टर से ही रिलेटेड है। कल हमने वेक्टर का आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आज हम वेक्टर के दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, थोड़ा आप लोग समझिए। प्रॉब्लम ये है, आपको एक कंडीशन दी गई है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है बच्चों और एग्ज़ाम के अंदर जनरली पूछी जाती रहती है। हमें पूछा है इस प्रॉब्लम के अंदर कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी, हमें ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो आप लोग जरा ध्यान से इन बातों को सुने और नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर उन्हें अप्लाई करें, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके सामने मॉड ए प्लस बी है, इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट लिखने का एक बहुत आसान सा तरीका है। मॉड ए प्लस बी का मतलब होता है दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, जिसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, मॉड ए माइनस बी को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी कॉस थीटा। मॉड ए माइनस बी को आप ये लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है ए और बी, ये रिजल्टेंट है ए और माइनस बी का। बच्चों, ये जो आपके सामने रिजल्टेंट है, ये ए और माइनस बी का रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे ही बोथ साइड हम लोग स्क्वायर टेक करेंगे बच्चों, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी कॉस थीटा। बोथ साइड स्क्वायर लेने से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा 4AB cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी सीधा सीधा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम ये कह सकते हैं कि A और B के बीच में जो एंगल बनने वाला है वो 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। बच्चों, ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है स्टूडेंट। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। इस क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए क्या मिलता है, मेन पॉइंट ये है। इस क्वेश्चन से आपको सीखने के लिए ये मिलता है बच्चों कि मॉड ए प्लस बी को आप ये लिख सकते हैं और मॉड ए माइनस बी को आप ये लिख सकते हैं। मॉड ए प्लस बी को आप ये लिखेंगे और मॉड ए माइनस बी को आप ये लिखेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट को कैंसिल आउट करके हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, एक और प्रॉब्लम हम इसके ऊपर देखते हैं बच्चों, अपने इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए। देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए, ठीक है, ए प्लस बी ए के इक्वल है। साथ साथ एक और बात हम लोगों से कही गई है कि ए और बी दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं स्टूडेंट। ए और बी, ये जो आपके सामने वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर हैं। तो आपको बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी, आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। भाई, जस्ट अभी हमने आपको बताया कि मॉड ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
cos थीटा इज इक्वल टू a, मॉड a को हमने a लिख दिया है स्टूडेंट. ओके देखिए इसके बाद अंडर रूट को हटाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ओके सो टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन टू ए. अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा बच्चों, मैंने यहाँ इनके ऊपर ना कोई वेक्टर वेक्टर नहीं दिखाया है क्योंकि ये मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैं सिंपल आपके सामने ए और बी लिख रहा हूँ ना तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को. अब आप एक बात देखिए, उसने कहा है कि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं. अगर ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो वन के इक्वल है बच्चों. कहाँ के इक्वल है? वन के इक्वल है. ठीक है. सो जब यहाँ हम पुट करेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन टू एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. कॉस के अंदर माइनस के 1 अपॉन टू 120 डिग्री की वैल्यू होगी. सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री. जो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होने वाला है वो 120 डिग्री होने वाला है बच्चों. इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे. एक छोटी सी प्रॉब्लम हम आपको देते हैं आपके होमवर्क के लिए. कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग मेंशन करिएगा बच्चों. प्रॉब्लम ये है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए, वेयर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर. दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो वन के इक्वल है बच्चों. सो आपको बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ना एंगल बताना है स्टूडेंट. देखो मॉड ए प्लस बी को मैंने ये लिखा है ना, मॉड ए माइनस बी को आप क्या लिखेंगे? जस्ट हमने आपको बताया कि भाई मॉड ए माइनस बी को आप ये लिख सकते हैं. इसको आप इसके इक्वल रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. आप अपना आंसर निकालने के बाद में कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा बच्चों. मिलेंगे आप लोगों से नई क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ.